हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। मेरे लास्ट वीडियो में मैं आपको पेट्रोप डिफेंस के बारे में बताया था। अब पेट्रोप डिफेंस के सामने सरप्राइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों वीडियो आप देख लोगे तो पेट्रोप डिफेंस के सामने बहुत ही अच्छे से वाइट से खेल सकोगे। ये है वाइट की ओपनिंग e4 e5 nf3 nf6 पेट्रोप डिफेंस। और लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। e4 e5 knight f3 knight f6, इसे कहते हैं पेट्रोप डिफेंस। नाइट क्रॉस e5 और यहाँ पे मेन लाइन है d6। दोस्तों, नाइट e4 के बारे में भी मैंने बताया था, यहाँ पे एक छोटी सी ट्रैप है। आप क्वीन e2 करके डिस्कवर थ्रेट में ब्लैक की क्वीन ले सकते हो, जैसे कि नाइट को बचाने के लिए nf6 करता है। तो ये एक छोटी सी ट्रैप है, knight c6 चेक और यहाँ पे आपको क्वीन मिल जाएगी। लेकिन ज़्यादातर लोग जो पेट्रोप डिफेंस खेलते हैं वो ट्रैप में फंसेंगे नहीं, क्योंकि उनको वो लोग जानते हैं पूरी लाइन, उसी हिसाब से पेट्रोप डिफेंस खेलेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं मेन लाइन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था knight f6 देन नाइट क्रॉस e5 और यहाँ पे ब्लैक की मेन मूव होती है d6 के बाद हमें knight f3 लेना है, उसके बाद ब्लैक knight takes e4 करता है। knight e4 के बाद यहाँ आपको कंटिन्यू करना है queen e2 और ब्लैक रिप्लाई देगा queen e7, अदरवाइज ब्लैक का नाइट लॉस हो जाएगा क्योंकि पिनिंग हो गया है और d3 पे हम नेक्स्ट मूव में d3 का एक प्रेशर है। तो queen e7 ये फोर्स मूव है, यहाँ पे आपको खेलना है d3, ब्लैक रिप्लाई देगा knight f6 और यहाँ पे हम खेले थे bishop e3। इतने मूव तो आपके आएंगे और यहाँ पे plan 1 g6 जो ज़्यादा काम नहीं करता है, कोई खेलता नहीं है, इसलिए इसके बारे में मैंने बिल्कुल आपको बताया नहीं है। g6 bg7 कैसलिंग ऐसा प्लानिंग हो सकता है ब्लैक का, लेकिन बहुत ही वीक होगा। यहाँ पे आप h4 h5 करके तुरंत अटैक कर सकते हो। चलिए मेन लाइन में ब्लैक रिप्लाई देता है nc6। यहाँ पे nc6 के सामने आपको खेलना है knight c3, ये भी हमने देख लिया है। आप मेरे इससे पहले वाले वीडियो को देख लीजिए। bishop g4 पिनिंग करता है, यहाँ पे h3 करने के बाद यहाँ से शुरू होती है मेन लाइन bishop h5। इसके बारे में हमने देखा था लास्ट टाइम bishop h5 के बारे में। उसके बाद हम g4 वगैरह अटैक करके, आप पूरा वीडियो देख लीजिए, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आज हम देखेंगे और दो मूव्स, bishop f3 और bishop f5। इतने मूव होने के बाद ब्लैक के पास तीन चॉइस थी, जिसमें एक थी bishop h5, bishop f3 और bishop takes f3। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले bishop f5 अगर ब्लैक खेलता है तो आपको क्या खेलना है। bishop f5 में भी आपको खेलना है g4, bishop g6। bishop g6 ये ही मेन मूव होगा, bishop e6 और bishop d7। दोस्तों, bishop d7 एक ब्लंडर मूव है, इसके बारे में मैं आज बताऊंगा आपको। अगर ब्लैक bishop d7 खेलता है यहाँ पे तो डबल क्वेश्चन मार्क, मतलब बिल्कुल ब्लंडर मूव। यहाँ से व्हाइट टू ब्लाइंड विन है, व्हाइट कम्प्लीटली जीतता है क्योंकि सारे मूव फोर्स होंगे। यहाँ हम खेलेंगे g4 के बाद knight g8 के बाद knight d5। अब ब्लैक क्वीन को अगर e6 जाता है तो knight f7, फोर्थ से क्वीन मिल जाएगी। क्वीन e5 पॉसिबल नहीं है, नाइट का अटैक है, क्वीन e4 भी पॉसिबल नहीं है, क्वीन d8 ओनली ऑप्शन है क्योंकि knight c7 पे भी अटैक कर रहा है फोर्थ के लिए। क्वीन d8 के बाद सिंपल आपको खेलना है bishop b6 चेक, डिस्कवर चेक। अब bishop e7 या knight e7 कुछ भी खेले, नेक्स्ट मूव में सिंपल knight takes c7 चेक, फोर्स से आपको रुक मिल जाएगा और पॉन भी मिल जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग लाइन है दोस्तों। चलिए यहां पे थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं ब्लैक के लिए। bishop e6 अगर ब्लैक खेलता है यहां पे, इफ ब्लैक प्लेज bishop e6, तो यहां पे आपको क्या करना है, यहां आपको खेलना है knight g5। बिशप पे प्रेशर, अब ब्लैक प्लेयर अगर नहीं चाहता है उसे स्ट्रॉन्ग बिशप देने का तो bishop d7 खेलेगा और उसके बाद यहाँ पे bishop g2 और ये आप डबल थ्रेट दे रहे हो bishop takes c6
और यहाँ पे काफी मजेदार गेम होगी। लॉन्ग कैसल करके आप अटैकिंग लाइन खेल सकते हैं। चलिए नाइन्थ मूव में और भी चेंजेस है कुछ, बिशप F3 देख लेते हैं। H3 के बाद ब्लैक अगर आपके नाइट को एक्सचेंज करता है तो सिंपल मूव है क्वीन टेक्स F3। क्वीन F3 के बाद ब्लैक प्लेयर लॉन्ग कैसल करेगा और यहाँ मैं भी आपको लॉन्ग कैसल का सजेशन दूंगा, बहुत ही बढ़िया मूव है लॉन्ग कैसल। D5 ये एक बेस्ट चॉइस है ब्लैक के लिए। यहां आपको खेलना है D4 और इस लाइट स्क्वायर बिशप को ओपन करना है। ब्लैक खेलेगा A6। A6 क्यों खेलेगा दोस्तों, फोर्स मूव है, क्योंकि बिशप नेक्स्ट मूव में B5 की थ्रेट है, तो A6 जरूरी है ब्लैक के लिए। यहां आपको खेलना है G4, आइडिया G5 और नाइट टेक्स D5। इसे स्टॉप करने के लिए एक ही ऑप्शन है H6 और यहां आप सिंपल बिशप G2 करके गेम खेल सकते हो। दोस्तों इसी गेम में हमने लॉन्ग कैसल के बारे में देखा, ब्लैक का लॉन्ग कैसल होता है तो क्या होता है। चलिए इस पोजीशन में अगर ब्लैक ने बिशप टेक्स नाइट किया, आपने क्वीन टेक्स बिशप किया और यहाँ ब्लैक लॉन्ग कैसल नहीं करता है और तुरंत D5 खेलता है, तो ऐसा एक प्लानिंग होता है। देखो बहुत सारे ब्लैक प्लेयर ऐसे प्लानिंग अटैकिंग पॉन सेक्रीफाइस का करते हैं, जिसे पॉन वापस भी मिलता है। गेम थोड़ी लंबी चलेगी लेकिन 20 या 21 मूव में व्हाइट कंप्लीटली विनिंग होगा। तो देखिए कैसे विनिंग होते है देखते हैं। यहाँ पे हम करेंगे नाइट टेक्स D5, ब्लैक रिप्लाई देगा नाइट टेक्स D5, यहाँ पे आपको क्वीन टेक्स D5, उसके बाद क्वीन B4 चेक। क्वीन B4 चेक में आपको करना है C3, क्वीन टेक्स B2 और यहाँ आपको खेलना है रुक C1। रुक C1 के बाद हो सकता है ब्लैक आपके रुक पे प्रेशर डाले बिशप A3 करके, तो यहाँ पे आपको करना है क्वीन E4 चेक। नाइट E7 एक ही बेस्ट चॉइस है और उसके बाद यहाँ पे आपको करना है D4। क्वीन टेक्स A2, बिशप टेक्स C1 की थ्रेट है, यहाँ पे आपको सिंपल रुक B1 करना है और B7 पे प्रेशर डालना है। ब्लैक अगर शॉर्ट कैसल करता है तो बिशप D3 चेकमेट की थ्रेट, ब्लैक रिप्लाई देगा F5, क्वीन टेक्स B7, F4 बिशप पे अटैक है और यहां आपको खेलना है क्वीन A6। अब देखो यहां पे पॉन टेक्स बिशप पॉसिबल नहीं है, अगर ब्लैक ने आपका बिशप लिया तो सिंपल बिशप C4 और आपको क्वीन मिल जाएगी। तो इसके बदले ब्लैक को सिंपल मूव देना है किंग H8 और आफ्टर बिशप C1 यहाँ पे कंप्लीटली आप पीस प्लस हो रहे हो, बिशप पिनिंग हो गया है, क्वीन अनसपोर्टेड है, क्वीन टेक्स रुक भी पॉसिबल नहीं है, क्वीन अगर कहीं भी जाती है नेक्स्ट मूव में आपको ये बिशप कंप्लीटली मिल रहा है। यहाँ ज्यादा कोई अटैक होने वाला नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, हो सकता है ब्लैक ट्राई करे अटैक करने का, सिंप्लीफाई कर सकते हो आप क्वीन टेक्स A3 और यहाँ चेकमेट भी नहीं है और क्वीन टेक्स क्वीन सिंपल गेम आगे बढ़ेगी, बिशप टेक्स क्वीन आफ्टर पॉन टेक्स पॉन और रुक G1 और इस पॉन को कोई प्रोटेक्शन मिलने वाला नहीं है, आसानी से गेम विनिंग हो जाएगी पीस प्लस के साथ में, ओपन फाइल भी आपके हाथ में है। तो ये थे पेट्रोव डिफेंस में जो बाकी के वेरिएशन, वो अभी सारे वेरिएशन में रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा फास्ट फास्ट आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने कौन से वेरिएशन देखे उसके ऊपर एक फोकस डाल देते हैं। H3 के बाद के मूव्स दोस्तों, ये सारे मूव्स तो आने वाले ही है, H3 तक के मूव्स सारे हैं, ये फोर्स मूव है सारे, जैसे कि पेट्रोव नाइट टेक्स, उसके बाद क्वीन और ये बिशप E3, उसके बाद G6 वाला प्लान वर्क नहीं कर रहा है, हम देखेंगे Nc6, नाइट C3, बिशप से क्वीन H3, इतने मूव्स तो सभी गेम में आने वाले हैं। ज्यादातर मोस्टली आप अगर 100 गेम खेलोगे ऐसे ही पेट्रोव की तो 90 गेम्स ऐसी आपको मिल जाएगी। उसके बाद देखो ब्लैक के पास जो तीन रिप्लाई है, बिशप H5, दूसरा रिप्लाई है बिशप F5 और तीसरा रिप्लाई है बिशप टेक्स नाइट।
ये तीनों रिप्लाई मैंने दोनों वीडियो में आपको बता दिए है, यानी पैटर्न ऑफ डिफेंस के सामने सारे वेरिएशन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी अलग अलग आपको ओपनिंग सीखने को मिलेगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें दोस्तों, बहुत ही मजा आएगा। बहुत सारी ओपनिंग, पूरी ओपनिंग का खजाना है मेरे पास, इसलिए आपको अलग अलग ओपनिंग सीखने की, कहीं भी सीखने के जाने के लिए जरूरत नहीं है, सभी ओपनिंग आपको यहीं पर मिल जाएगी। जल्द ही मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद जय गुजरात।